आज हम बात करने वाले एक ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा का नाम है मीटिंग टी यू और ये एक चाइनीज ड्रामा है और ये एक स्कूल लव स्टोरी है। तो चलिए ड्रामा को शुरू करते हैं। हम ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारे मेन मेल लीड नानजी को देखते हैं जो कि घर पे कुछ काम कर रहा होता है कि तभी उसके मेट उससे कहता है, नानजी क्या आप रेडी हो गए हैं, आपको स्कूल भी जाना है, आप प्लीज़ जल्दी कीजिए। और तभी नानजी उठकर अब तैयार होकर बाहर चला जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं उसके मॉम जो कि फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं, वो कहता है नानजी आज से स्कूल जाने वाला है। और फिर नानजी साहब कार पे आके बैठता है तो उसके मॉम उससे कहते हैं तुम्हारे पापा थे, तुम्हारे पापा ने बताया वो जल्दी आने वाले हैं। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है हमारी मेन फीमेल लीड रुई को जो कि स्कूल जाने में लेट हो गई होती है, वो जल्दी से खाने लगता है और कहता है मुझे आज भी लेट हो गया है, आप लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो उसके ग्रैंडपेरेंट कहते हैं तुम सोई हुई थी और तुम धीरे खाओ, इतनी जल्दी मत खाओ। तो नानजी के ग्रैंडपा उससे कहते हैं अगर तुम्हें हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत हो रही है तो तुम अपने मॉम के पास चली जा सकती हो। तो रुई कहती है मुझे नहीं जाना और आप लोगों को पता है मुझे तंग कैसे करते हैं। और रुई कहती है मैं अब स्कूल जा रहा हूँ, मैं बाद में आके आप लोगों से मिलता हूँ। तो उसके ग्रैंडपेरेंट कहते हैं ध्यान से जाना। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ स्कूल में जा रहे होते हैं और मिस्टर हु वहाँ पर खड़े हुए होते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट लेट आए तो अंदर घुसने ना पाए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रुई जब स्कूल के अंदर जाने वाली होती है कि तभी उसका एक फ्रेंड उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद हम दिखा देते हैं रुई वहाँ से चली जा रही होती है कि तभी वो नानजी से टकरा जाती है और दोनों जो है गिर जाते हैं और नानजी रुई को देखने लगती है और रुई नानजी को देखने लगती है। रुई कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और नानजी वहाँ से उठ के चला जाता है। और फिर हमें दिखा देते हैं रुई जल्दी में वी नाम के एक आदमी के पास आता है और उसे अपना बैग दे के कहता है कि मैं स्कूल से आने के बाद ले जाऊंगी। तो वी नाम को वो आदमी कहता है ध्यान से जाना तुम। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है रुई का दोस्त चेंग मिस्टर ही को अपनी बातों में उलझाने लगते हैं कि तभी हमारी जो रुई होती है वो स्कूल के दीवार में चढ़ने लगती है। और हम नानजी को देखते हैं जो कि इसी स्कूल के गेट के सामने होता है, वो किसी को बिना बताए ही अंदर चला जाता है। और मिस्टर हो जब उसे देखते हैं तो उसे रोकने लगते हैं कहने लगते हैं रुको। और नानजी जब रुकता है तो मिस्टर हो उसे पूछते हैं तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इतने लेट क्यों आए हो। तो चेंग और उसके दोस्त कहता है ये शायद न्यू स्टूडेंट है। और तभी हमारी जो रुई होती है वो ऊपर से छलांग लगा देती है और इस वजह से रुई को बहुत ही ज़्यादा चोट आई होती है और फिर भी वो हिम्मत करके उठती है। उठने के बाद वो आराम से जाने लगती है कि तभी वो जब जा रही होती है तो पीछे से मिस्टर हु उसे रोक लेते हैं, कहते हैं रुई इधर आना। तो रुई जब उस मिस्टर हु के पास जाता है तो मिस्टर हु उससे कहते हैं तुम फिर से लेट आई हो, तुम रोज़ ऐसा क्यों करती हो बताओ। तो हमारी रुई कहती है मैं लेट नहीं आई हूँ, मैं ऐसे टहल रही थी और मैंने आप लोगों को देखा तो मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती और मेरे पास देखिए बैग भी नहीं है। तो मिस्टर हु कहते हैं झूठ, तुम झूठ बोल रही हो ठीक है ना। तो रुई कहती है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो मिस्टर हु कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्कूल के दीवार से जंप करते हुए देखा है और तुम्हें एवरेज लेटर सबके सामने पढ़ना होगा और तुम जाओ यहाँ से। तो रुई के जाने के बाद मिस्टर हु नानजी से कहता है कि तुम ऑफिस रूम में आके अपना स्कूल यूनिफॉर्म लेके जाना। तो नानजी सर हाँ में हिलाता है। और उसके बाद किसी ने हमें दिखाया जाता है हम रुई को देखते हैं जो कि क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और उसका फ्रेंड शो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी। तो रुई कहते हैं कि मैं ऊपर से मैं स्कूल की दीवार से गिर गया था इसलिए। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगी। तो रुई जो है उसका गला पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो शो। अभी क्लासरूम में मिस्टर हु आते हैं और सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। मिस्टर हु कहते हैं आप सभी लोग अपने न्यू क्लासमेट से मिले। और मिस्टर हु नानजी को बुलाते हैं और कहते हैं आप सभी लोग नानजी को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे आप लोगों के न्यू क्लासमेट के तौर पे। और सब बच्चे नानजी को देखने लगते हैं। तो मिस्टर हु नानजी से कहता है तुम अपने बारे में कुछ इनको बताओ। तो नानजी कुछ नहीं बताता और बोर्ड पर कुछ लिखता है और लिखने के बाद
वो खड़ा हो जाते फिर से, और मिस्टर हो उससे कहते हैं तुम्हें बस यही लिखना था, अपना जी कुछ नहीं बोलता। तो मिस्टर हो उससे कहते हैं तुम रूई के पास के टेबल पे जाके बैठ जाओ। जब नानजी वहाँ पर बैठने के लिए जा रही होती है कि तभी रूई खड़ी होकर कहता है मुझे कुछ बताना है, क्योंकि नानजी भी ले आया था तो नानजी को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिली। तो मिस्टर इस बात में मिस्टर ही उससे कहता है क्या तुम्हारा सॉलिटेड इतना हो गया है। तो इस बात में रूई कहती है कि नहीं, और यहीं पर ये सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है, फिर असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे खड़े होते हैं और हमारी रूई जो है सॉलिटेयर पढ़ रही होती है। वो कहता है कि मैंने कैसे नानजियान की हेल्प की और मिस्टर हुने मुझे पनिश किया, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने रूल को तोड़ा है। और आप ही लोग बताइए क्या किसी का हेल्प करना कोई गलत बात है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया जाता है शो उससे कहता है तुमने कैसे मिस्टर हो के ऊपर सारा दोष डालते। फिर कहती है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर चैंग नानजियान के पास जाके उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ बास्केटबॉल खेलना चाहोगे, क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ और शायद तुम भी खेलते होगे। मगर नानजियान उसे मना कर देता है। फिर कहता है ओ चैंग तुम्हारे तो बेइज्जती हो गया। और उसके बाद दिखाया जाता है नानजियान मुंह धो रहा होता है कि तभी वहाँ पर रुई आ जाती है। रुई आके नानजियान से कहता है हाय मैं रुई हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे दोस्तों ने तुम्हारे साथ जो किया। तो नानजियान कहते हैं कोई बात नहीं। उसके बाद रुई कहती है नानजियान से तुम बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो, तुम मेरी तरफ़ देख के बात भी नहीं करते, तुम सर नीचे करके बात कर रहे हो मेरे से। तो नानजियान वहाँ से चला जाता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर कहते हैं क्वेश्चन का सवाल कौन हल करेगा। तो रुई कहती है नानजियान करेगा मैम। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नानजियान जो है उस सवाल का जवाब लिख देता है सही सही। और उसके बाद वो सब लोग मिस्टर ही के कॉफ़ी शॉप में आके नानजियान के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कहता है कि नानजियान कितना अच्छा है ना, वो उसका वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और मिस्टर ही उन सबको कॉफ़ी टेस्ट कराते हैं, तो वो सब लोग कॉफ़ी खा के कहते हैं बहुत ही अच्छी बनी है कॉफ़ी। और उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है नानजियान जब घर जाता है तो मेड कहते हैं मैम आपका इंतज़ार कर रहे डिनर टेबल पे, और नानजियान डिनर टेबल पे जाके बैठ जाता है। और उसके मॉम कहता है तुमने कितने फ्रेंड बनाए हैं। तो नानजियान कहते हैं बहुत सारे, और वो लोग खाने खाने लगते हैं। और उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल का जहाँ पर उन लोगों का इंग्लिश टेस्ट हो रहा है, और नानजियान जो है पहले एग्ज़ाम ख़त्म करके टीचर को उसका जो है एग्ज़ाम पेपर दे के वहाँ से चला जाता है। और हमारी रूई भी वहाँ जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। और उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है नानजियान को जो कि एक पेड़ के पास था कि उस पेड़ को सहला रहा होता है और कुछ सोचने लगता है, कि तभी हमारी लुई जो है खाना खा के दीवार से जो है छलांग लगा देती है और वो एकदम जाके हमारे नानजियान के जो है ऊपर गिर जाता है। और नानजियान और रुई एक साथ ज़मीन पे गिर जाते हैं। और उसके बाद नानजियान रुई का मुंह पकड़ के उससे कहता है तुम मुझे शांति से क्यों नहीं रहने देते। और तभी नानजियान जो है रुई के गले पे एक लॉकेट देखता है और वो लॉकेट उसे कुछ जाना पहचाना लगता है। तो नानजियान जब रुई से बात करने के लिए उसे हाथ पकड़ता है तो रुई उसे गुस्सा मार देता है और जो है गुस्सा मिस्टर हु को लग जाता है। और मिस्टर हु रुई को जो है स्विमिंग पूल साफ करने की पनिशमेंट देता है। और रुई जब स्विमिंग पूल साफ़ करने के लिए जाती है और साफ कर रही होती है कि तभी रुई को अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है। रुई जब उस आवाज़ का पीछा करके स्विमिंग पूल की तरफ जाता है तो रुई वहाँ पर नानजियान को देखता है। नानजियान उससे बात करने की कोशिश करता है और रुई जो है पानी में गिरने लगती है तो रुई नानजियान का हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। और पानी में गिरने के बाद नानजियान को एक सपना आता है जिसमें वो एक लड़की को जो है लिटिल बेल लॉकेट दे रहा होता है। और उसके बाद रुई जो है नानजियान को होश में लाने के लिए सीपीआर देने लगती है। और जब सीपीआर देने लगती है कि तभी वहाँ पर तभी नानजियान का जो है होश आ जाता है और नानजियान उठ जाता है। और उसके बाद किस सीन में हमें दिखाया जाता है नानजियान और रुई जो है क्लासरूम में होता है और नानजियान अपने बैग से कुछ निकाल रहा होता है। फिर नानजियान अपने बैग से एक टावल निकाल के जो है रुई के पास जाता है और उसे कहते हैं कि इससे तुम अपना शरीर पोछ लो तुम्हें बुखार आ जाएगा। और यहीं पर हमारा जो है ड्रामा का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।